पाकिस्तान में महासंग्राम की एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और बड़ी खबर है मुकाबले को लेके, क्रूशियल मुकाबले को लेके। दिल्ली ने बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया है और पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर अब दिल्ली कैपिटल्स पहुंच गई है। यह सबसे बड़ा अचीवमेंट दिल्ली कैपिटल्स का आज की जीत के साथ और हार के बावजूद। हालांकि बैंगलोर भी प्ले ऑफ में पहुंचा है, रन रेट के आधार पर बैंगलोर की टीम प्ले ऑफ में है। बैंगलोर ने दिल्ली को 153 रन का लक्ष्य दिया था जिसमें शिखर धवन, अंजिक्य रहाणे ने अर्धशतकीय पारी खेली जिसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की है। स्कोर कार्ड आपको दिखा देते हैं। दिल्ली को 153 रन का टारगेट दिया गया और उस टारगेट को अचीव कर लिया। 6 बॉल बाकी थी और 6 विकेट से ये मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीत लिया है। जो प्रदर्शन रहा वो बहुत अच्छा रहा। रहाणे ने 60 रन बनाए, शिखर धवन ने 54 रन बनाए और इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स की अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं, पेडिकल ने 50 रन बनाए, डिविलियर्स ने 35, विराट कोहली ने 29। ये प्लेयर्स का प्रदर्शन रहा बैंगलोर वर्सेस दिल्ली जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज कर ली है। न्यूज और क्रिकेट का एक्सक्लूसिव डोज हर रोज, अभी सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष का यूट्यूब चैनल। लॉग ऑन करें IPL2020.tv9bharatvarsh.com पर, जवाब दीजिए आसान से सवालों का और जीतिए ढेर सारे इनाम हर रोज। पैनासोनिक इंडिया खास बासमती राइस और पी सेफ के गिफ्ट हैम्पर्स।